गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माई सेल्फ अनिशा। मैं आपको पेपर सेकेंड कंटेम्प्रेरी एजुकेशन इन इंडिया पढ़ाती हूँ। नाउ वी आर ऑल स्टे एट होम, आई होप सो यू आर सेफ एंड स्टे एट होम। कल हमने डिस्कस किया था ओपन स्कूल, यानी जो हमारी ओपन एजुकेशन है, ओपन हमारी जो मुक्त शिक्षा है, उसके जो उद्देश्य थे वो। आज हम स्टार्ट करेंगे द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओपन एजुकेशन, दैट इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी। देखिए, ये विश्वविद्यालय विश्वास प्रणाली का अनुसरण करते हैं, यानी दीज यूनिवर्सिटी इज बेस्ड ऑन द फेथ सिस्टम, कि हमें जो है इनके ऊपर बिलीव होना चाहिए। ये विद्यालय आत्मशासित होते हैं, दीज यूनिवर्सिटीज आर द सेल्फ सेंटर्ड, यानी सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। विद्यार्थी अपनी सुविधा के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अ स्टूडेंट गेट रिसीव एजुकेशन थ्रू हिज अकॉर्डिंग टू हिज बेनिफिट्स, अकॉर्डिंग टू हिज कन्वीनियंस, कि किस तरह उन्हें कन्वीनियंस है और किस तरह उन्हें बेनिफिट है, उसी अकॉर्डिंग वो अपनी एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं। ये विद्यार्थियों का नियंत्रण मूल्यांकन करते हैं, क्या करती हैं, दे कंटिन्यू इवेल्युएशन ऑफ द स्टूडेंट्स, की उनका मूल्यांकन करते हैं थ्रू असाइनमेंट, थ्रू एज दे लाइक इट। ये पत्राचार द्वारा दिए गए गृह कार्यों तथा संगठित व्यक्तिगत संपर्क कार्यक्रम द्वारा पढ़ाते हैं। ये क्या करते हैं, दे गिव द होमवर्क थ्रू द मीडिया, थ्रो स्टडी मटेरियल, एंड जो संगठित व्यक्ति हैं उनके संपर्क में कार्यक्रम द्वारा कहता है कि दोज व्यक्ति रिलेटेड टू देम्स दे ऑर्गेनाइज सब प्रोग्राम्स विद हिज हेल्प। ये अंतिम प्रहा परीक्षा भी लेते हैं, दे टेक द फाइनल या एनुअल एग्जामिनेशन, तथा उसके आधार पर विद्यार्थियों को डिग्री या सर्टिफिकेट प्रदान करते हैं। ऑन द एनुअल एग्जामिनेशन दे प्रोवाइड द डिग्री एंड सर्टिफिकेट टू द स्टूडेंट्स। इनमें सभाएं तथा उच्च परिषदों का विधान है, इनमें बहुत सारी सभाएं भी होती हैं और उच्च सारी परिषद काउंसिल्स भी इनमें होती हैं। इनमें कुलपति, विद्यालयों के सेक्रेटरी, शैक्षणिक विभाग, पत्राचार के निर्देशक, सहायक स्टाफ तथा अध्ययन के निर्देशक होते हैं। देखिए, इन दिस ओपन यूनिवर्सिटी देयर आर हमारा जो डायरेक्टर होता है, सेक्रेटरी होते हैं, यानी ऑल स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, ऑल आर रिलेटेड टू देम। ये विद्यालय से जुड़ने का अधिक लंबा अवसर देते हैं, दे प्रोवाइड अ लॉन्ग अपॉर्चुनिटी टू रिलेट द यूनिवर्सिटीज। ये सामान्य और विशिष्ट विषयों में डिग्री देते हैं, दे प्रोवाइड द डिग्री टू जनरल एंड स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को। ये हमारे कुछ इसके क्या थे, करेक्टरिस्टिक्स थे, करेक्टरिस्टिक ऑफ ओपन यूनिवर्सिटी। नाउ नेक्स्ट इज द एडवांटेजेस ऑफ द ओपन यूनिवर्सिटीज, कि इनके जो एडवांटेज हैं, इनके गुण हैं, वो क्या हैं। देखिए, फर्स्ट है हमारा कि मुक्त विद्यालय जीवन पर्यंत शिक्षा के क्षेत्र में बड़े सहायक सिद्ध हुए हैं। जो ओपन यूनिवर्सिटी हैं, ये हमारी लाइफ लॉन्ग जो एजुकेशन है उसमें बहुत ही हेल्पफुल है। इन विद्यालयों में कोई भी व्यक्ति किसी भी समय तकनीकी या ज्ञान कौशल की शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इन दिस टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी एनी इंडिविजुअल कैट गेंट एनी टाइप ऑफ टेक्निकल एंड स्किल नॉलेज एट एनी टाइम्स। नंबर सेकेंड, मुक्त विद्यालय विद्यार्थियों पर विषयों से संबंधित नियम नहीं थोपते हैं, अपितु ये विद्यार्थियों को विषय क्रियाओं के चुनाव की पूरी स्वतंत्रता देते हैं। देखिए, ओपन यूनिवर्सिटी डोंट फोर्स द स्टूडेंट टू एडॉप्ट एनी सब्जेक्ट, बट दे गिव द फुल्ली फ्रीडम टू चूज देयर सब्जेक्ट एज देयर विश, कि एज देयर विश, जैसे उनकी विश है, जैसे उनकी नीड है, जैसे उनकी एबिलिटी है, वो अपने विषयों को चूज कर सकते हैं। ये विश्वविद्यालय परंपरागत विश्वविद्यालयों में दाखिलों में बदले हुए दबाव को कम करने में सक्षम है। देखिए, दीज यूनिवर्सिटी दीज यूनिवर्सिटी
लेस द बर्डन ऑफ अवर एजुकेशन विच आर कमिंग फ्रॉम द लास्ट अवर ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटीज। ये विश्वविद्यालय शिक्षण को रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, आकाशवाणी, टेप रिकॉर्डर की सहायता से अत्यंत सरल व रोचक बना देते हैं। दीज यूनिवर्सिटी मेक अवर टीचिंग सो मच अट्रैक्टिव विद द हेल्प ऑफ रेडियो, टेलीविजन, वीडियो, आकाशवाणी, टेप रिकॉर्डर्स। यानी हमारी जो टीचिंग है, जो हमारी एजुकेशन है, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड अट्रैक्टिव बन जाती है। इन विद्यालयों में प्रति व्यक्ति व्यय परंपरागत विद्यालय से 1/3 कम है। यानी इन विद्यालयों में जो हमारी फी का अमाउंट होता है वो रेगुलर विद्यालयों से बहुत ही कम होता है। सो ये से कुछ गुण थे हमारे ओपन यूनिवर्सिटी के। नेक्स्ट है हमारे इसकी कुछ कमियां है कि जहाँ पे कुछ गुण होते हैं वहाँ पे कुछ कमियां जरूर होती हैं। नंबर फर्स्ट, पत्राचार सामग्री तैयार करना एक जटिल समस्या है कि हमें स्टडी मटेरियल हम प्रिपेयर करेंगे, इट इज द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स फॉर आवर। नेक्स्ट, तैयार सामग्री को समय रहते विद्यार्थी तक पहुंचाना, इट इज डिफिकल्ट वर्क टू सेंड द स्टडी मटेरियल्स टू द चिल्ड्रंस ऑन द टाइम, कि आप समय रहते हुए उसको पहुंचा रहे हो। नंबर थर्ड, रेडियो व दूरदर्शन के शैक्षणिक प्रसारण के समयों तथा विद्यार्थियों के अवकाश के समयों में तालमेल बिठाना एक बड़ी समस्या है। देखियो, आपके लिए बहुत बड़ी समस्या है कि आप रेडियो और दूरदर्शन के थ्रू जो बच्चों को पढ़ा रहे हो, क्या विद्यार्थियों की जो छुट्टी का समय है उनमें एक दूसरे के साथ तालमेल बैठ पाता है या नहीं है। यानी विद्यार्थी जो है उस टाइम पर फ्री है या नहीं है कि जिस टाइम पे आप उन्हें रेडियो दूरदर्शन से एजुकेशन उनके पास पहुंचा रहे हो। नंबर फोर्थ, आकाशवाणी से दूरदर्शन के लिए कार्यक्रम तैयार करना एक बड़ी समस्या है। फॉर द आकाशवाणी एंड दूरदर्शन इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम टू प्रिपेयर द प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स। रेडियो तथा दूरदर्शन पर तैयार कार्यक्रम व्यक्तिगत कठिनाइयों के निवारण की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। देखिए, ऑन द रेडियो एंड टेलीविजन दोज प्रोग्राम आर प्रिपेयर्ड, दे कांट सॉल्व द पर्सनल प्रॉब्लम ऑफ द स्टूडेंट्स, कि उनकी जो पर्सनली प्रॉब्लम है रिलेटेड टू देयर एजुकेशन दे कांट सॉल्व देम। मुक्त विद्यालय अभी भी विज्ञान तथा तकनीकी उच्च शिक्षा प्रदान करने में असमर्थ है। द ओपन यूनिवर्सिटी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड द साइंस एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन, दे आर अनएबल टू प्रोवाइड द हायर एजुकेशन। ये जो विद्यार्थी मुक्त विद्यालयों से शिक्षा प्रदान करते हैं उन्हें समाज में ज्ञान के क्षेत्र में 2-आयाम दर्जे का सम्मान मिलता है। यानी दो स्टूडेंट गेट द एजुकेशन थ्रू द ओपन यूनिवर्सिटी, दे डोंट हैव द मच रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, दे हैव सम लेक इन देयर रिस्पेक्ट। यानी सोसाइटी थिंक दैट दे गेट एजुकेशन इन ओपनली, नॉट द रेगुलरली। सो आज हमने अपना टॉपिक फिनिश किया, ओपन यूनिवर्सिटी, दैट इज गुड बाय।